डे टू ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्नीचर असेंबलिंग आई विल शेयर विद यू दैट कि कहाँ तक काम पहुँच चुका हुआ है। तो मैं शाम को अपने साथ वापस लेके आई हूँ क्योंकि मैं उसको हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। फर्नीचर की बेट अभी तक कितनी है कि चेस्टर जो है वो हमारा सेमी फिनिश हो चुका हुआ है, उसके ड्रॉर्स वगैरह बन चुकी हुई हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी तैयार हो चुका हुआ है। एंड चेस्टर की फ्रंट साइड कुछ इस तरह की दिख रही है। 6 ड्रॉर का चेस्टर मैंने बनवाया है और इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। शायद वीडियो में इतना नहीं पता चलेगा, इसकी जितनी भी लेंथ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर वार्डरोब की जो शीट्स हैं उनकी कटिंग वगैरह हो चुकी है, मतलब जहाँ जहाँ पर जो भी निशान लगनी है। और ये तो सामने ड्रॉर है, ये वार्डरोब के अंदर लगेगी। और यहाँ पर कुछ इसके हार्डवेयर पड़े हुए हैं। तो फिलहाल घर की हालत कुछ इस तरह की दिख रही है, बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ है पूरा घर, लेकिन कोई बात नहीं। और ये चेस्टर की बैक साइड है, तो ये कुछ इस तरह की दिख रही है। अब इसके नीचे इसकी बेस लगनी है ड्रॉर्स की, और इसकी दर्द तो अच्छी खासी है, अच्छी खासी डीप डोर्स हैं ये। मेरा बेटा देखा भी आपको फर्नीचर रहती और अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है मेरे बेटे को, क्या कहते हैं मेरा बेटा शमाइल आ रही है मेरे बेटे को, मेरे बेटे को समझ आ रही है मम्मा का कल्ली, मम्मा मेरे बेटे का फर्नीचर बनवा रही है। आए हाय आओ सबको रूम दिखा के लाए रोशन का, सबको दिखाते हैं कि मम्मा ने ना रूम साफ करवा दिया। तो रूम की जो अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जो डे वन था सो मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि रूम का जितना सामान है वो सब मैंने उठाया, लेकिन उसको उठवाना था, ऊपर शिफ्ट करवाना था, वो सब मैं आपको दिखा दूँ। सो तो ये देखिए जी, कल तक इस रूम में जो भी यहाँ पे सब कर्टन वगैरह पड़े हुए थे वो सब उठा दिए गए। ये सिर्फ आयरन स्टैंड है जो यहीं पर रहेगा, ये बाहर जाएगा। और इसके अलावा मेरी सिलाई मशीन यहाँ पर है, और यहाँ पर बेड पर भी जितना सामान था ये सब उठा दिया गया। तो इस तरह से जो पूरा रूम है ये खाली हो चुका हुआ है। और यहाँ पर बाहर सारा फर्नीचर का काम हो गया, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं 1 मिनट के लिए बाहर आई हूँ और मेरा पूरा जो मुंह है वो पसीने से भर गया हुआ है, इट्स गेटिंग ऑयली। एंड रोशन मेरे बेटे का क्या अपडेट है, क्या कहना चाहते हैं मेरा बेटा, क्या कहना चाहते हैं, मजा आ रहा है मेरे बेटे को जी, मेरे बेटे का रूम देखिए इतना प्यारा प्यारा सा रूम, मजा आएगा मेरे बेटे को, अच्छा लग रहा है जी। चुनिया अभी बहुत सी चीज़ें करनी है, अभी जो ये जो कर्टन भी आपको दिख रहा है ये भी सब चेंज होगा, बहुत काम है। अभी मैं चाह रही हूँ कि पहले फर्नीचर सारा सेट हो जाए, उसके बाद फिर जो बाकी की शॉपिंग है वो मैं करूँगी। 90% शॉपिंग मैंने ऑनलाइन करनी है, क्योंकि मैं खुद बाज़ार वगैरह नहीं जाती हूँ, निशान के पैदा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं गई हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है। और दूसरी बात ये इसको किसी के पास छोड़ के भी नहीं मैं जा सकती हूँ, और फिर लेकर भी नहीं जा सकते। तो ठीक है, अपडेट आपको मैंने दे दी भी फर्नीचर की और रूम की भी, तो मैं रोशन के अंदर लेकर जाऊँगी, बहुत गर्मी है जूनिया। रोशन ओए ओए नींद मेरे बेटे को, चलो आप फिर रूम में चले। ओके जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जॉब से कल, रात के 3 बज रहे हैं, बाद फिर मैंने इसको सुलाना है। अब यह है कि कल सुबह फिर से काम शुरू हो जाएगा, और कल कितना फर्नीचर तैयार होता है और किस तरह से उसकी शिफ्टिंग होती है वो देखते हैं। लेकिन रूम को शिफ्ट करने से पहले मुझे इसकी सारी सीलिंग वगैरह साफ़ करवानी है, और ये जो फैन है ये सब नीट करवानी है, क्योंकि ये रूम हम यूज़ नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से काफ़ी डस्ट हुआ है, और यहाँ पर स्पाइडर वेब भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ों की सफाई करेंगे। और ये कुछ पेन वगैरह किस तरह से गंदा हुआ है इसे क्लीन कर रहे हैं, पहले रूम को अच्छी तरह साफ करके उसके बाद ही हमने फर्नीचर को यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो इसी तरह आपको जो अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी, तो लाजमी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें। निशान जी रूम में चलते हैं और आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल, लेट्स गो। निशान चलिया वो देख रहे हैं सब की क्या हो रहा है, तो लेट्स गो इन, तो सब लाइट्स वगैरह ऑफ कर देंगे। ठीक है, थक गई यार।
लेट्स गो इन। तो मैं शाम को सुलाऊंगी और इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। बाय। A few moments later. रोशन, रोशन आंखों से बातें कर रहा। नींद आई भी उसको। नहीं आ रही है बेटे। मेरे बेटे का रूम सेट हुआ है, देखा आपने? सही है। पा रहे? एंजॉय करके है वहाँ पे पप्पू? बोल रहा है चूने पप्पू। क्या करके है वहाँ? तंग करके है सब? बातें कर रहा था। नाना को भी तेरे बातें की हैं। नानो को क्या बोले मेरे बेटे? मुझे पकड़ो, मुझे खिलाओ, मेरे से बातें करो। इतना वहाँ पर टाइम हम तेरे से बातें करते हैं शायद। बड़ी छोटी किक्की है, बड़ी डिंपल वाली किक्की है ये। 2 hours later. आए हाय, ओए होए, बैठो बैठी, बैठो बैठी। मेरा बड़ा प्यारा बेटे जी, बहुत सुनते हैं। जोर लगा दे जोर। पकी गेंगी। A few moments later. किसको खाना है आपने? निशान इसको नहीं खाते। आपने इसको खा जाए ना? गंदा बेटा, गंदा। He's trying to eat that. वो नहीं आएगा। नहीं पक